हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने शब्दों के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद का अध्ययन किया था। तत्सम के शब्द क्या है, तद्भव शब्द क्या है, देशज शब्द क्या है। आज हम विदेशी शब्द का अध्ययन करेंगे कि विदेशी शब्द क्या, किसे कहते हैं। समय समय पर हिंदी के साथ कई विदेशी भाषाओं का संपर्क होता रहा है। हिंदी के साथ कई विदेशी भाषाओं का संपर्क होता रहा है। उनके कई शब्द हिंदी में आ गए हैं। विदेशी भाषाओं के कई शब्द क्या हैं, हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं। ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है, जैसे स्कूल, तोप, शर्म, फौज, किताब आदि। देखते हैं कुछ एग्जांपल। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख विदेशी शब्दों का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है। फारसी शब्द, फारसी शब्द क्या है, मुर्गा, चश्मा, दुकान, जमीन, नमक, गर्दन, गुलाब, हिम्मत, दिल, मुक्त आदि। अरबी शब्द, अमीर, आदमी, वकील, कागज, कानून, अखबार, फायदा, नुकसान, औरत आदि। तुर्की शब्द, लफंगा, तोप, बंदूक, चमचा, बेगम, कुली, बारूद, कैंची, कुर्ता आदि। पुर्तगाली शब्द के अंतर्गत कौन कौन से शब्द हैं, आलू, गोभी, बाल्टी, आलमारी, गमला, पादरी आदि। फ्रांसीसी, अंग्रेजी, कारतूस, कूपन आदि। अंग्रेजी शब्द क्या है, क्रिकेट, बल्ब, कॉपी, स्कूल, मशीन, पेन, रेडियो, डॉक्टर आदि। चीनी शब्द, लीची, चीनी आदि। रचना के आधार पर शब्दों के भेद, रचना के आधार पर शब्दों के भेद। अब देखते हैं रचना के आधार पर शब्द कैसे बना, रचना शब्द कैसे बना के आधार पर शब्दों के तीन भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या है, जो शब्द प्रयोग होते होते किसी वस्तु विशेष के लिए निश्चित हो गए हैं, किसी वस्तु विशेष के लिए निश्चित हो गए हैं। जो शब्द प्रयोग होते होते किसी वस्तु विशेष के लिए निश्चित हो गए हैं, वे रूढ़ शब्द, जैसे दूध, खीर, पानी आदि। इन शब्दों के टुकड़े किए जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। अगर दूध को हम टुकड़े में बदल देते हो, जब दो टुकड़े हो जाएंगे, दू प्लस ध, तो दू का कुछ अर्थ नहीं होगा, ध का भी कुछ अर्थ नहीं। इनके कहने का मतलब है कि यदि इनके टुकड़े किए जाएँ तो इनका कोई अर्थ नहीं होता। ये किसी अपने विशेष वस्तु के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, जिनको हम टुकड़े करें तो इनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। यौगिक शब्द, दो या अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल से बने शब्द पूछा जा सकता है। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक जहाँ पर योग हो, जोड़ हो दो शब्दों का, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। सेना प्लस पति, सेना प्लस पति, सेना पति।
दोनों का अर्थ देखा जाए तो दोनों शब्दों का अपना अलग अलग अर्थ होगा। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, इनके भी टुकड़े किए गए लेकिन दोनों का अपना एक अर्थ होता है। पुस्तक का भी अर्थ होता है और आलय का भी। आलय में हम जानते हैं घर होता है, पुस्तक पुस्तकों का घर। अपमान, अप प्लस मान, मातृ भक्ति, ये सब क्या है? यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हो और किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं ये योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जिनको तो हम अलग अलग कर सकते हैं, दो या दो से शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से तो बने होते हैं लेकिन यह एक विशेष अर्थ देते हैं, यह किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। लंबा प्लस, लंबा प्लस उधर, लंबोदर, लंबो लंबा प्लस उधर किसे संबोधित कर रहा है? विशेष अर्थ के लिए, भगवान गणेश के लिए। दस आनन, दस आनन मीन्स मुख, दस मुख वाला, दस मुह वाला किसे संबोधित किए? दस मुह किसके हैं? राम।